रात को मैं सोया हुआ था और आवाज़ इतना भयंकर आया कि मैं जिंदगी में पहली बार ऐसा डरा होगा। और सामने उठ के देखा तो सामने से आग के लपटे आ रही थी और आवाज़ आ रहा था। जिंदगी में पहली बार ऐसा मैं डरा, ऐसा लगा कि मौत मेरे करीब आ गया है। फिर अभी तो मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, पर जब मैं उठा था तब अंधेरा था, मैं बिना गाड़ी के था, तो मेरे को दिखा वो तो एकदम बुरा आग जैसा था पूरा। मेरे को तो लगा ऊपर से कुछ गिर गया है, कोई आया है, कोई मिल गया है। अब देखते वहाँ पे जाके कैसा क्या है, वहीं पे पता चलेगा। देखो वो आग यहाँ से तो बहुत छोटी दिख रही है और कैमरे में इतना अच्छा आ भी नहीं रहा है, पर बहुत बड़ा हुआ है। ये चीज़ देखने मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कितने लोग हैं जो देखने आए हैं, सिर्फ ये चीज़ देखने। इतने सारे लोग आए देखने, ये आग है फिलहाल के लिए, मतलब इतनी छोटी है, इसकी गर्मी यहाँ तक आ रही है। मैं बता तो ये कैसे क्या हुआ। ये ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल कॉरपोरेशन। अभी ये हजीरा में यहाँ पे इधर आग लग गई है। अभी तो देखो तुम्हारे भाई को इतने दूर से दिख गया, वैसे मेरा चिल मारने के लिए आ गया, पर पता चला इधर सच में आग लग चुकी है। पहले तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई गैस स्टेशन है तो फायर रिलीज कर रहा है, पर बाद में पता चला सच में आग लग चुकी है। ये मुझे किसकी वजह से पता चला, किसने मेरे को इन्फॉर्मेशन दिया? ये भाई ने, न्यूज़ वालों ने। मैं आया अब वहाँ पे ब्रिज के पास, जो अपने आते VR साइड से वो ब्रिज के पास भी सब थे, उधर पता चला भाई आग लग चुकी है। और ये आग अभी तो फिलहाल छोटी दिख रही है, कम दिख रही है, वो क्यों मैं बताता हूँ। ये आग से मैं अभी भी बहुत दूर हूँ, तो भी इसकी गर्मी यहाँ तक आ रही है। मैं अब से एक घंटा पहले देखा था, तब ये बढ़ा था। मेरे घर से, जो मेरा घर यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर दूर है, वहाँ से एकदम पूरा बड़ा दिख रहा था। और ये कुछ 2 से 3.5 रात के 2 से 3.5 बजे हुआ था ये, तब बहुत बड़ा था। अभी धीरे धीरे लोग कंट्रोल में ला रहे, कम हो रहा है। तो देखो मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो मिल रही थी वो ये मेरा सोर्स था, जहाँ से मुझे मिल रही थी। अभी ये सोर्स ने सब देख लिया है, भाई ये बंदा उल्लू के धंधे पे पैर रख रहा है, उल्लू का धंधा चौपट कर देगा, इससे मेरे को कुछ बता नहीं रहे ज़्यादा। तो अभी मुझे जो करना है खुद से करना है, मैं करूँगा। सीधा वो अंदर जाऊँगा, अंदर जाके पूछूँगा ऐसे क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये सेफ्टी क्या है। अभी देखते हैं अभी क्या होता है, बने रहिए मेरे साथ। सो नो बकवास, सीधी बात, ये जो भी हुआ है बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि गैस स्टेशन में गैस लीक हो गया है। और ये मेरे कैमरे को पता नहीं क्या हुआ, ये फायर डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ इतना दूर है पर इसलिए डिटेक्ट नहीं कर पा रहा होगा। पर गैस स्टेशन में आग लगा है, गैस लीक हुआ है, ये अच्छी बात नहीं है। तो अभी देखते क्या करते हैं ONGC वाले, कैसे ठीक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी गैस लीक हो गया, जो अच्छी बात नहीं है, जो प्रॉब्लम ही एक तरीके से उसको ठीक कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि 4 से 4 घंटे पहले हुआ था, तब बहुत ज़्यादा था, अभी ऑलमोस्ट कम हुआ है, बहुत ठीक हो जाएगा। पर ये लोग बहुत डरा रहे। मेरा नाम फूलो मुखिया है, मैं बिहार का हूँ। मैं बाटलिंग पलांग IOC बाटलिंग पलांग हजीरा से ड्राइवर हूँ, बाटला की गाड़ी चलाता हूँ, जो कि पलांग से भर के एजेंसी पे छोड़ता हूँ। हुआ ये जो आग लग रही है वो आपके सामने हुआ था? जी मेरे सामने हुआ, मैं गाड़ी में सोया हुआ था, 2:45 कुछ ऐसा हो रहा था, अचानक से धमाम से आवाज आया, बहुत जोरदार धमाका आया और जिंदगी में पहली बार ऐसा डरा। और जब मैं सामने देखा तो ऐसा लगा कि उधर आग जैसा लग गया है, आवाज़ ऐसा जोर का आया जैसे लगा कि आकाशीय बिजली कुछ ऐसा गिरा होगा। फिर हम लोग चार पाँच ड्राइवर इकट्ठा होकर ऐसा वातावरण करने लगा और देखा दूसरा आवाज़ हुआ, हम लोगों के यहाँ से भागो नहीं तो हम लोग अपनी जान गंवा देंगे। फिर हम लोग सब ड्राइवर इकट्ठा होकर अपना अपना गाड़ी लेके वहाँ से भागे, और पार्किंग में जो भी आदमी रहते हैं उनको हमने बताया कि आप लोग भी अपना सेफ्टी करके अपना यहाँ से निकल लो। फिर हम लोग वहाँ से ये ब्रिज पार करके 2 किलोमीटर दूर जाके हम लोग खड़ा हो गया। पुलिस वाला ने बोला यहीं आप लोग को, आप शांति से रहो, बाद में शांति होता जाना, नहीं शांति होता तो इससे और आगे दूर भाग जाना।
सेफ्टी जगह पे चले गए। बात नहीं भैया, आप लग रहे हो पूरे डर गए हो। हाँ, अभी तो कितनी बार, मतलब चार बार हुआ ना ये धमाका? पांच बार हुआ था। पांच बार हो गया धमाका। अभी तो कोई बात नहीं, अभी तो सब कंट्रोल में लग रहा है ना? जी अभी तो कंट्रोल में लग रहा है। कोई नहीं, सबसे अच्छा हो जाएगा। जी सर, चलो ओके। देखा लोगों, यहाँ पे जो पास थे वो लोग डर गए थे, बाकी दूर वालों को कुछ पता नहीं, पास वाले लोग बहुत डर गए थे। अब कैसे क्या हुआ मैंने आपको सब बता दिया, वो आँख के ऊपर इतना काला काला धुआ, अब कैसे क्या हुआ मैंने सब बता दिया। अब ज़्यादा लंबा खींचने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अपन भी वो न्यूज़ वालों की तरह अगर लंबा खींच देंगे तो झूठ बोलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे वो लोग झूठ पे झूठ बोलते हैं वैसा हम नहीं करेंगे, हम सच्चाई बताएंगे, सच्चाई ब्लॉग है। सो आज के लिए इतना ही रखते। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग।